पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2.0 में शिरकत की और वहां मौजूद माता पिता से बच्चों से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान एक काफी दिलचस्प वाक्या देखने को मिला, जब वहां मौजूद एक महिला ने अपने बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग की आदत को छुड़ाने की बात कही। असल में इस कार्यक्रम में असम से आई हुई एक महिला मधुमिता सेन गुप्ता ने मोदी जी से गुजारिश की कि वो उनके बेटे का मार्गदर्शन करें। ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ते रुझान की वजह से उनके बेटे का ध्यान धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। ये बात सुनते ही पीएम मोदी ने उनसे हंसकर पूछा, ये पबजी वाला है क्या? इस बात से पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। ऑनलाइन गेमिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और माँ बाप का इसके प्रति रवैया क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में हमारे पीएम ने बड़े ही सुलझे शब्दों में बताया कि ऑनलाइन गेम एक समस्या भी है और समाधान भी। यदि हम चाहें कि बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं तो यह ठीक नहीं होगा। गेम खेलते वक्त हम जिंदगी से पीछे चले जाते हैं, लेकिन इससे दूरी बनाना भी सही नहीं है। हमें देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारे बच्चे को रोबोट बना रही है या फिर इंसान। यदि माँ बाप थोड़ी भी रुचि लें और खाना खाते वक्त उससे बात करें तो ये ठीक रहेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा कि आज सबके पास स्मार्टफोन है और शर्तिया यहाँ आया हुआ हर इंसान अपने दोस्तों को मैसेज में जरूर बताएगा कि आज हम पीएम के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन ऐसा करने से जिंदगी और सिकुड़ती चली जाती है। आजकल पबजी बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों का हिंसक होना, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देना और उनके मानसिक तनाव के बढ़ने का जिम्मेदार पबजी को बताया गया है। इन सब कारणों से गुजरात सरकार ने इस गेम पर बैन लगा दिया था और साथ ही शिक्षकों को निर्देश भी दिया गया था कि बच्चों के गेम की लत को छुड़वाया जाए। नेक्स्ट टू नाइन टेक के लिए रक्षा की रिपोर्ट।